हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस? और मेरे ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, स्पेशली फॉर हेयर्स। आज मैं आपको हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी और ऐसा हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी जो आपके रूखे और बेरुखे बालों को एकदम शाइनी और सुंदर कर देगा, और इससे बाल आपके टूटने झड़ने भी बंद हो जाएंगे और लंबे और घने भी हो जाएंगे। तो गाइस, आज मेरे पास है ये देखिए, इसके अंदर मैंने मेथी दाना पाउडर और आंवला पल्प पाउडर जो है वो दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं, और मैंने दोनों का मिक्सचर एक एक टेबलस्पून लिया है। ठीक है गाइज, जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी होता है और हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। इससे हमारे डैंड्रफ में और जो भी हमारी हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, लीज की प्रॉब्लम होती है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, तो आंवला उसको प्रोटेक्ट करता है, उन हेयर्स को डैमेज से बचाता है। और इसी तरीके से मेथी दाना जो होता है वो आपके बालों को जहां से गंजे हो गए हैं या बाल झड़ चुके हैं उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। तो मैंने आज ये दोनों मिक्सचर एक एक टेबलस्पून लिया है गाइस, और मैंने ये अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आपकी हेयर लेंथ बहुत लंबी है, बड़े हैं आपके बाल बहुत ज्यादा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब दूसरा मैंने लिया है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही ली है। दही जो होती है, दही बहुत ही इफेक्टिव होती है हेयर्स के लिए, जो आपके हेयर्स में शाइन लेकर आती है और जो मुरझाए हुए रूखे बाल होते हैं उनको नरिश करती है, सॉफ्ट और शाइनियर बनाती है। तो इस तरीके से आज मैं आपको एक हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी, और इसको किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी गाइज। ओके, चलिए हम बनाते हैं। तो गाइज, आपको क्या करना है, आपको ये जो मिक्सचर है मेरे पास आंवला पल्प पाउडर का और मेथी दाने पाउडर का जो मिक्सचर है, उसमें आपको पूरी ये जो दही मैंने निकाली हुई है ये डाल देनी है। ये जो हेयर मास्क मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये सारे हेयर्स के लिए है, चाहे आपके बाल ऑयली हैं, आपके बाल ड्राई हैं, आपका स्कैल्प कैसा भी है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, और आपकी जो हेयर की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी इस हेयर मास्क से। अब आप इसको अच्छे से मिला लेंगे, जब तक इसकी एक अच्छे से पूरी पेस्ट नहीं बन जाता आप इसको मिलाते रहेंगे गाइस। हेयर मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हेयर मास्क लगा पाएं, और हमारे बाल बहुत रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो अपनी थोड़ी केयर करना तो बनता ही है। आप चाहें तो जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप ही हेयर मास्क लगा सकते हैं। जब आपका ये थोड़ा मिक्सचर थोड़ा टाइट हो जाएगा, अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट आपको इसमें हल्का सा वार्म वाटर डालना है, और आप इसको धीरे धीरे डालेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा मिला दें, जिससे क्या होगा आपका मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा और सर पे लगेगा ही नहीं। तो आपको धीरे धीरे इसको मिक्सचर को मिलाना है इस तरीके से। ये देखिए अभी भी बहुत टाइट है, तो मैं इसमें और थोड़ा पानी मिलाऊंगी, और पानी थोड़ा वार्म होना चाहिए, एकदम ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। दोबारा डालूंगी इस तरीके से, ये मिक्सचर आप मिलाएंगे और ऐसा पेस्ट बनाएंगे जिससे आपके स्कैल्प पे प्रॉपरली लग जाए। ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। अभी भी काफी थिक है ये, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी बस। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। आई थिंक अब ये बिल्कुल ठीक से बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होने के लिए रखूंगी, 5 से 10 मिनट, ताकि ये मिक्सचर आराम से एक्टिवेट हो जाए, और फिर उसके अंदर मुझे नेक्स्ट क्या प्लेट डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसको 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रखूंगी, 5 से 10 मिनट के लिए। ओके गाइज, तो गाइज अब इसको रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे नेक्स्ट हेयर ऑयल मिलाना है, 1 टेबलस्पून। मैंने कास्टर ऑयल डाला है, आप कोकोनट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, और कोई भी कोकोनट ऑयल आप डाल सकते हैं। जो भी ऑयल आपके पास मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। आपको 1 टेबलस्पून डालना है इसके अंदर, और अच्छे से इसको मिला देना है। अब आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे लगाएंगे 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको पहले वॉश करेंगे पानी से, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से इसको क्लीन कर देंगे, और उसके बाद अगर आपके हेयर्स कर्ली हैं तो आप सीरम लगाना ना भूलें। हेयर सीरम लगाना बहुत जरूरी होता है कर्ली वालों के लिए,
आप चाहें तो, अगर आपके स्ट्रेट हेयर्स हैं तो आप सीरम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली आप इसको जरूर यूज करें, वीक में एक बार आपको जरूर इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आपने ये यूज किया है या नहीं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।